सभी को जय यीशु। 5 फरवरी के दिन कैथलिक कलीसिया संत अगाथा का त्यौहार मनाती है। संत अगाथा के बारे में बहुत कम आधिकारिक जानकारी प्राप्त है। हमें इतना ही मालूम है कि उनका जन्म सिसिली में हुआ था और सम्राट डेसियस के शासनकाल में सन 251 में शहीद हुई थी। प्रचलित परंपराओं के अनुसार अगाथा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया था। वह एक बहुत सुंदर महिला थी। क्यूंतियन नामक एक अधिकारी उनकी सुंदरता के प्रति आकर्षित होकर उसने अगाथा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर उसे प्रताड़ित किया गया। उस अधिकारी ने उसे वेश्यालय में भेजने की प्रयत्न किया, लेकिन अगाथा ने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की। इस पर अगाथा को घोर शारीरिक यंत्रणा दी गई। उनके स्तनों को क्रूरतापूर्वक कुचल कर काट डाला गया। तत्पश्चात उनको बंदी गृह में डाल दिया गया। माना जाता है कि संत पेत्रुस ने उन्हें दर्शन देकर चंगाई प्रदान की। इसके बाद भी उनके विरुद्ध अत्याचार जारी रहे। इन अत्याचारों को सहते सहते वे शहीद हो गईं। संत अगाथा का नाम पुरातन यूक्रिस्तीय प्रार्थना में पुकारा जाता है। संत अगाथा उपचारकों तथा स्तन की बीमारी से पीड़ित रोगियों की संरक्षिका संत मानी जाती हैं। आइए हम संत अगाथा की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।